ब्रह्म कपाल पर इस साल का पहला पिंडदान गुजरात के जितेंद्र प्रेम सिंह रावल ने किया। ब्रह्म कपाल के तीर्थ पुरोहित प्रमोद हटवाल ने बताया कि 12 बजे तक ब्रह्म कपाल में 8 परिवारों के सदस्यों ने अपने पितरों के नाम का पिंडदान तर्पण किया। जोशीमठ में चारधाम यात्रा शुरू होने के साथ ही बद्रीनाथ धाम में हेली सेवा भी शुरू हुई। हेरिटेज एविएशन के हेलीकॉप्टर से 6 श्रद्धालु हरिद्वार से भगवान बद्रीनाथ के दर्शनों के लिए पहुंचे। हल्द्वानी में आम आदमी पार्टी ने तिरंगा संकल्प यात्रा निकाली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई नेता इसमें शामिल हुए। अरविंद केजरीवाल ने सड़क पर ही लोगों को संबोधित किया। देहरादून में बढ़ते डेंगू के मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। अभी तक देहरादून में डेंगू के 17 मामले सामने आ चुके हैं। अधिकारियों का दावा है कि फॉगिंग की जा रही है और तमाम सावधानियों के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। रुड़की में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का दौरा है। जिला प्रशासन ने सीएम के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भगवानपुर में एक रोड शो करेंगे, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने रोड मैप तैयार कर लिया है। बागेश्वर में जिला पंचायत की बैठक में विकास के लिए आया राज्य वित्त। 15वें वित्त की कुल 6,47,00,000 की धनराशि का अनुमोदन किया गया। बैठक में तय किया गया कि सभी जिला पंचायत सदस्यों के क्षेत्रों को विकास के लिए धनराशि बराबर आवंटित की जाएगी।